सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज, एमसीए सीईटी के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो ऑफिशियल अपडेट्स है वो अब सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो रिलीज हो चुके हैं, जिसमें ये बताया है कि कब से हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। साथ ही में गाइज, आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होंगे, कब हमारे एक्चुअल कैप राउंड्स होंगे, कब आपको कॉलेजेस के नाम वगैरह डालना पड़ेगा, ये सब कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में जो है वो बताऊंगा, ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ है वो पता रहे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए, एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको एमसीए के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो ये अपडेट आएगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो ये है अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिस, टेंटेटिव कैप स्टार्ट डेट फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस AY 24-25, ऐसा ये जो अपडेट है वो आया है। इसे जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का जो PDF है वो देखने को मिलेगा, जिसमें पहले तो यही बताया है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके कुछ एडमिशन प्रोसेस जो है वो हमने स्टार्ट कर दिए, अब जो रिमेनिंग CET हुई थी उनके जो रिजल्ट्स है वो भी जो है वो रिलीज हो चुके हैं, तो उनकी भी हम जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें गाइस इन्होंने पूरा जो स्केड्यूल है वो रिलीज किया है। यहाँ पे गाइस इन्होंने बताया है कि कब से सारी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जिसमें यहाँ पे हमें MCA का भी जो नाम है वो देखने को मिल रहा है। अब MCA की जो एडमिशन प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर वो स्टार्ट होने वाली है गाइस 6th of July 2024 को, एंड इस पूरे स्केड्यूल में सबसे पहले MCA की ही जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, ऐसा यहाँ पे हमें जो अपडेट है वो मिल रहा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है टेंटेटिव कैप स्टार्ट डेट। ठीक है, अब टेंटेटिव बोला है तो देखो, अभी टेंटेटिव बोला है तो इसका मीनिंग ये है कि कंफर्म नहीं है, बट जनरली इसी डेट से जो है वो स्टार्ट होना चाहिए। अगर और कुछ वहाँ पे पोर्टल वगैरह रेडी नहीं होता है उसकी वजह से अगर डिले होता है तो 1-2 दिन का मैक्स टू मैक्स डिले होगा, ज़्यादा डिले होने के जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे। ठीक है, बट ये वाली जो डेट है वो भी MCA के एडमिशन के लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट होंगे कि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कैप स्टार्ट डेट, तो इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि हमें डायरेक्ट कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डालना पड़ेगा, कोई हमें जो रजिस्ट्रेशन वगैरह वो नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैप का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, तो ये स्टार्ट होने वाली है 6th of July से। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारी स्टेप्स होती है, जैसे सबसे पहली स्टेप हमारी रहेगी रजिस्ट्रेशन की, जिसमें हमें पोर्टल के ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, साथ ही में उसके साथ हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी होगा। ये होने के बाद फिर हमारी जो मेरिट वाली लिस्ट है वो रिलीज़ होगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा ऑल ओवर महाराष्ट्र क्या रैंक है, ऑल ओवर इंडिया क्या रैंक है। फिर ये रिलीज़ होने के बाद फिर हमारी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, जिसमें हमें जो है वो अपने कॉलेजेस के ऑप्शंस जो है वो डालना पड़ता है। ऐसे 3 राउंड्स जो है वो होते हैं, जिन्हें हम कैप राउंड्स भी बोलते हैं सिंपलर वे में, बट एक्चुअल में उन्हें ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बोलते हैं, जहाँ पे हमें कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना होता है। ठीक है, तो ऐसे कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 एंड कैप राउंड 3, ऐसे जो 3 कैप राउंड्स है वो होगी जिससे आपको एडमिशन जो है वो मिलेगा। तो वो वाली जो प्रोसेस है वो तो मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो होगी हमारी रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, इसके लिए यहाँ पे जो डेट है वो दी है 6th of July 2024, एंड जैसे ही इसका अपडेट आता है, मतलब जो ऑफिशियल पोर्टल है वो रिलीज हो जाता है, वहाँ पे पूरा जो स्केड्यूल है वो पहले से ही आ जाएगा, मतलब पहले से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से दिन क्या क्या जो है वो होने वाला है। मतलब पहले बताया जाएगा कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर हमें जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसके अंदर ही हो जाएगा, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट कब आएगी, फिर उसके बाद कैप राउंड के एक्चुअल जो राउंड्स है वो कब स्टार्ट हो गए, ऐसे पहले ही पूरा जो स्केड्यूल है वो रिलीज़ हो जाएगा, ताकि पहले से हमें जो है वो चीज़ें पता चल जाए। ठीक है, अगर मैं एडमिशन पोर्टल की बात करूँ गाइस, तो अभी MCA का जो एडमिशन पोर्टल है वो ऑलमोस्ट रेडी है, आप देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो अपडेट हो चुकी है, 24-25 ऐसा भी यहाँ पे जो है वो आ चुका है, बस यहाँ पे जो कनेक्शन है वो बनने का है, मतलब कनेक्शन इन सेंस कि जैसे हम यहाँ पे CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जब हम MCA पे क्लिक करेंगे तो अभी ये वाला जो पोर्टल है वो ओपन नहीं हो रहा है, ये वाला, तो ये वाला पोर्टल भी जल्दी यहाँ पे जो अटैच है वो हो जाएगा, एंड फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस वाले पोर्टल पे जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी थोड़ा जो प्रोसेस है वो बाकी है, अभी अगर हम यहाँ पे रजिस्टर करने जाते हैं तो कुछ भी ओपन जो है वो नहीं होता है, तो अभी भी जो पोर्टल है वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी ये जो है वो बन रहा है, बैकएंड वगैरह जो है वो रेडी हो रहा होगा, जल्दी ये पोर्टल जो है वो लाइव होगा सभी स्टूडेंट्स के लिए। फिर आप यहाँ पे जो है वो हमें सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पूरा जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, एंड फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, एंड ऐसी सारी प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जो चीज़ें वो बताऊँगा, आपका बस एक ही काम रहेगा कि आपको अपने जो वीडियोज़ है वो टाइम टू टाइम देखना है, एंड पूरी प्रोसेस वैसे ही फॉलो करना है, तो आपका इजीली जो एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्टल है वो रहेगा इस साल की MCA के एडमिशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके अलावा गाइस अभी आपका काम यही है कि जैसे ही पोर्टल लाइव होता है तो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो 1-2 दिन बाद करना, जिस दिन रिलीज हो रहा है उसी दिन मत करना, नहीं तो
पोर्टल पे काफ़ी काफ़ी सारे ग्लीचेस होते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। तो जिस दिन स्टार्ट होगा 10-15 दिन का टाइम रहता है, तो 2-3 दिन बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना शुरू करना है। कैसे करना वो भी मैं आपको जो है वो बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको ये भी फाइंड करना शुरू कर देना चाहिए कि कौन से कॉलेजेस आपके परसेंटाइल के आसपास जो है वो जा सकते हैं। तो उसके लिए गाइज आप हमारे कॉलेजेस के लिस्ट का जो यूज़ है वो भी कर सकते हो। यहाँ पे गाइज आपको MCA के सारे कॉलेजेस जो है वो देखने को मिल जाएंगे जो भी एग्जिस्ट करते हैं महाराष्ट्र में, एंड जहाँ पे भी आप CET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। एंड इसमें गाइज हमने हाई टू लो के फॉर्म में जो कट ऑफ है वो अरेंज कर दिया। तो सपोज अगर आपको 80% के आसपास है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जो 80% के आसपास जो है वो जाते हैं, एंड उनका फिर डिटेल में जो कट ऑफ है वो देख के इजीली कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस लिस्ट से आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, एंड इजीली आप कॉलेजेस जो है वो भी शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप लेके अपने कॉलेजेस फाइंड करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही गाइज और ऑफिशियल अपडेट्स आते हैं और पूरा स्केड्यूल वगैरह रिलीज होगा MCA के एडमिशन प्रोसेस का, तो वैसे भी मैं आपको टाइम पर जो है वो अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको सारी जो चीज़ें हैं वो पता रहे, एंड आपसे कोई भी जो चीज़ है वो मिस ना हो, ताकि आपके एडमिशन प्रोसेस जो है वो सही से जाए, ठीक है। साथ ही में हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको सारे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे, ताकि आप टाइम टू टाइम अपडेटेड रहो एंड कोई भी चीज़ आपसे जो है वो मिस ना हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।